आप एनर्जाइजर में जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको जो है जॉब टाइमिंग्स का आपको रहने वाला है, वीक ऑफ का आपको रहने वाला है, और आपकी जो है पंचिंग पंच आउट। सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ गाइस, वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आप भी एनर्जाइजर में ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं, या इंटरव्यू देना चाहते हैं, सो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए गाइस। मैं इसमें पूरी डिटेल आपको शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको किन किन सिचुएशनों का सामना करना पड़ेगा, तो मैं इस वीडियो में पूरी कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए गाइस। सो गाइस, बात करें आयनाइजर की, तो ये भी बीपीओ सेक्टर की एक टॉप मोस्ट कंपनी मानी जाती है। अगर आप भी इसमें ज्वाइन करते हैं तो इसमें काफी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन कुछ इसके बेनिफिट भी हैं और इसके जो है कुछ आपको जो है सेक्रीफाइस भी करने होंगे गाइस। बेसिकली इसमें जो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपका इंटरव्यू सब कुछ कंप्लीट हो गया, सो गाइस जैसे ही आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको जो है एक प्रोसेस दे दिया जाता है। आपका जो भी प्रोसेस होगा, तो सबसे पहले उसकी एक ट्रेनिंग होती है गाइस, तो ट्रेनिंग आपकी जो है विद इन 2 डेज के अंदर आपकी स्टार्ट हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपका बैच बनता है या नहीं बनता। अगर आपका बैच जो है या 25 लोगों का, 30 लोगों का, 20 लोगों का अगर बैच आपका डिफाइड हो जाता है, तो उस केस में आपको जो है ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है गाइस। बेसिकली अगर आपकी जो है इंटरनेशनल अगर आपका प्रोसेस है, तो इसमें आपकी जो है लॉन्ग आपकी ट्रेनिंग हो सकती है 1 महीने तक, और अगर आपका डोमेस्टिक प्रोसेस है तो ये 18 से 20 दिन में आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी गाइस। बेसिकली अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो है ट्रेनिंग आपको बता जाए कि आपकी जो है इतनी तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट है। ट्रेनिंग बेसिकली आपको अगर आपका डोमेस्टिक प्रोसेस है तो आपको बेसिकली 9 से 10 बजे के बीच में बुलाया जाएगा और शाम के 6-7 बजे आप जो है चले जाएंगे। बेसिकली ये नॉर्मल ट्रेनिंग में आपको जो है ये टाइमिंग आपको रहेगी, लेकिन जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है गाइस, और उसके बाद होता है कि आपका सर्टिफिकेशन होता है, उसके जैसे कि आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, तो उसके बाद जो है एक जो क्वालिटी वाले होते हैं वो चेक करते हैं कि आपने जो भी प्रोसेस में ट्रेनिंग की है उसका आपको कितने परसेंट आता है। तो बेसिकली जो हमारी ट्रेनिंग होती है गाइस, ट्रेनिंग में ओनली हम 30% सीखते हैं, लेकिन 70% हम तभी सीखते हैं जब हम प्रैक्टिकली चीज़ें करते हैं, जब हम कस्टमर को फेस करते हैं, उसकी क्वारीज को रिजॉल्व करते हैं, तब हमें जो है 100% अपना देना पड़ता है गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वालिटी में बेसिकली कुछ नहीं होता है, बेसिकली जो सिनेरियो होता है उसे आपको फॉलो करना पड़ता है, और वही सिनेरियो फॉलो करना पड़ता है एग्जैक्ट जो कि आपने ट्रेनिंग में सीखा गाइस, यही आपका रहने वाला है। जैसे आपका सर्टिफिकेशन क्लियर होता है, फिर आपका एक फ्लोर सर्टिफिकेशन और होता है, जिसमें कि आपका पहले ओजीटी हो गया, ओजीटी आपको क्लियर करनी पड़ती है, तो उसके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया रहता है वो 1 से 2 हफ्ते में आपका जो है ओजीटी भी क्लियर हो जाता है। पहले ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी, सर्टिफिकेशन आपका हो गया, फिर आपको जो है फ्लोर सर्टिफिकेशन में डाला जाएगा। तो और फ्लोर सर्टिफिकेशन में आपको जो है ज़्यादा लॉगिन हॉर्स अपने कंप्लीट नहीं करने होते हैं, 8 हॉर्स आपके कंप्लीट नहीं होने चाहिए, आपको जो है 4 घंटे का लॉगिन हॉर्स वहाँ पे कंप्लीट करना होगा इस 4 दिन में। उसके 4 दिन बाद आपको 6 घंटे का लॉगिन हॉर्स कंप्लीट करना होता है, लेकिन जब आपका फ्लोर सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको कंप्लीट 8 वर्किंग आवर्स का आपको लॉगिन हॉर्स वहाँ पे सो होना चाहिए गाइस, वरना आपका जो है अटेंडेंस वहाँ मार्क नहीं की जाएगी, आपके लॉगिन हॉर्स शॉर्ट हो जाएंगे, तो टीएल्स एएम्स जो है आपसे बोलेंगे कि तेरे लॉगिन हॉर्स कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे, तो वो भी हमें जो है क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है गाइस। बेसिकली ये रहता है आपका जो है पहले तो क्वालिटी वाला सर्टिफिकेशन हो गया, फिर आपका फ्लोर सर्टिफिकेशन, वो होता है कि जो भी आप कॉल ले रहे हैं, जो भी आप कस्टमर से इंटरेक्शन कर रहे हैं वो प्रॉपर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कि जो भी आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि अगर आपको होल्ड लगाना है तो ऐसे बोलना है, और ओपनिंग ऐसे देनी है, क्लोजिंग ऐसे देनी है, और सिनेरियो कैसे फॉलो करना है, कस्टमर की डिटेल आप फ्रेच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो सारी स्क्रीन हमारी रिकॉर्डिंग भी होती है, जो हमारे सिस्टम में जो भी हम बोलते हैं तो उस पूरा स्क्रीन भी रिकॉर्ड होता है, तो क्वालिटी वाले जो हमारी बात भी सुनते हैं और स्क्रीन में भी चेक करते रहते हैं, उनको सब कुछ वहाँ पे शो होता है कि हाँ जो ये बोल रहा है स्क्रीन में जो सारी डिटेल्स शो हो रही है वो ये बोल रहा है कि अपने आप बोल रहा है। अगर हम वो प्रोसेस फॉलो करते हैं कस्टमर की जो भी क्वारीज है, और बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, तो अगर जो कस्टमर बोल रहा है हम वही सिनेरियो जो है वहाँ पे डालना है, अगर हम कोई दूसरा सिनेरियो डालेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारी जो है वहाँ पे हमारे जो भी हमारे मार्क्स हैं वो कट जाएंगे, क्योंकि हमने जो गलत सिनेरियो उसमें फॉलो कर दिया। तो सिनेरियो हमें वही फॉलो करना है जो हमें कस्टमर की क्वारीज है गाइस। सो ये बेसिकली अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका फ्लोर सर्टिफिकेशन भी इजिली हो जाता है गाइस। उसके बाद जो है आपके कंप्लीट आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली डेली रूटीन के अकॉर्डिंग आपको जो है जॉब करनी है अपनी, और 8 वर्किंग आवर्स का आपका लॉग इन आवर्स कंप्लीट होना चाहिए गाइस बेसिकली, और 1 घंटे का आपका ब्रेक होता है। और गाइस बात करें, अगर आपने इन सारे क्राइटेरियाज को फॉलो कर दिया, कंप्लीट कर दिया, सर्टिफिकेशन आपके कंप्लीट हो गए, सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद मेन इशू आता है, क्योंकि जब तक हमारा फ्लोर सर्टिफिकेशन नहीं होता उसके बाद उस टाइम तक तो हमें जो है नॉर्मली टाइमिंग दी जाती है, वो भी डे शिफ्ट की, लेकिन जैसे ही आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट होता है गाइस, उसके बाद जो है ये हमारी टाइमिंग जो है चेंज हो जाती है गाइस, क्योंकि हमारा बैच रहता है वो 20 लोगों का रहता है, तो ये
20 लोग तो एक ही शिफ्ट में नहीं बुलाते हैं, तो कभी ये मॉर्निंग शिफ्ट हमें दे देते हैं जैसे 9 से 900 हो गया, 10 से हो गया, या मोस्टली ये केस क्या करते हैं जो बॉयज लोग होते हैं गाइज उनको ये इवनिंग शिफ्ट जो है प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ये जो प्रायोरिटी रहती है इनकी गर्ल्स की रहती है, क्योंकि उनको जो है मोस्टली डे ही शिफ्ट दी जाती है। तो लेकिन अगर बॉयज रहते तो आपको शिफ्ट जो है ये चेंज हो सकती है गाइज, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट इसमें दी जाती है 3 से 12 हो गई, 4 से 1 हो गई, तो ये सारे शिफ्ट जो है ये देखने को मिल जाते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको करनी पड़ेगी गाइस, 1 हफ्ते या 1 महीना आपको जो है ये नाइट शिफ्ट आपकी रहने वाली है, आपकी टोटल भी नाइट हो सकती है 10 बजे से हो गया, 9 बजे से हो गया, या आपको जो है 3 से 4, 4 से 1 में जो है मोस्टली ये जो है आपकी जो है जॉब टाइमिंग रहने वाली है। लेकिन अगर आप जो है स्टार्टिंग में अगर मना कर देते हैं कि मैं इस टाइमिंग में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो ये जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं गाइस, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है 1 से 2 वीक जो है इनका रूल्स एंड रेगुलेशन पर चलना होता है। उसके बाद जैसे ही आपका अट्रैक्शन होता है टीयर्स अपने एम्स हो गया, तो आपको टीयर्स भी पता हो जाएंगे कि आप इनके आपके टीयर्स ये हैं, आपके एम ये हैं, तो ये भी आपको जो है सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जैसे ही आपको पता लगता है कि हमारे TLC ये है, हमारे AMC ये है, तो उनसे आप इंटरेक्शन करना सीखिए, क्योंकि जो भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है उनसे पूछिए आप, जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे पूछिए आप। और गाइस ये सारे कनेक्ट आप बनाए रखिए, क्योंकि जितना आप कनेक्टेड रहेंगे अपने TLC हो गया, AMC हो गया, तो वो बेनिफिट आपको आगे देखने को मिलेंगे। कभी आपको मॉर्निंग की शिफ्ट चाहिए 9 बजे वाली चाहिए, 8 बजे वाली चाहिए, 10 बजे वाली चाहिए, 12 बजे वाली चाहिए, तो आप जो है ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये कब करेंगे, जब आप जो है बॉन्डिंग अच्छी बनाएंगे, क्योंकि आपको अगर BPO सेक्टर में आना तो ये सारी क्राइटेरिया को भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि जब तक हमारे सीनियर अलाउ नहीं करते तब तक हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं गाइस, क्योंकि जो हमारी शिफ्ट रहती है वो इनके अकॉर्डिंग ही मैनेज रहती है गाइस। सो गाइस अगर आप INS से ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको जो इशू फेस करना पड़ेगा वो आपको जो है जॉब टाइमिंग का, आपका जो है वो फिक्स आपका नहीं होगा गाइस स्टार्टिंग में। लेकिन जब आप थोड़े सीनियर्स हो जाएंगे, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है टाइमिंग्स अपनी रख सकते हैं गाइस। लेकिन आपको कुछ समय देना पड़ेगा अपने TLC हो गया, AMC हो गया, उनकी बात को जो है सुननी पड़ेगी और जो है उनको भी रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि यार वैसे मोस्टली दे ही देते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा जिद करेंगे तब आपका भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है कि फिर उसके अगर आप बोलेंगे उनने दे भी दी आपको शिफ्ट, फिर बाद में इसका जो है इफेक्ट पड़ता है कि यार ये बंदा तो वैसे ही है, खाली अकड़ू है या वो है, ये बात नहीं मानता, तो इस टाइप की भी फिर माइंड में जो है इमेज बन जाती है आपकी। तो ये हमें नहीं करना गाइस, हमें कूल रहकर सारे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। जब आप ये अगर आप BPO कंपनी में जा रहे हैं तो अगर आप जितना रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे गाइस उतना ही अच्छा होगा आपके प्रमोट होने के चांसेस। अगर आप कस्टमर से सही बात कर रहे हैं, उसे सही रिजोल्यूशन दे रहे हैं, और TLC के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, AMC के साथ आपको अच्छी बॉन्डिंग है, तो ये इफेक्ट डालता है। अब जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, 6 महीने हो जाएंगे, 7 महीने हो जाएंगे, जब आप IGP के लिए अप्लाई करेंगे गाइस, उस समय इनका भी फीडबैक लिया जाता है कि ये बंदा कैसा है, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, अट्रैक्शन कैसा है, टीम लीडिंग की क्वालिटी है इसके अंदर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। अगर आपको जो है बिहेवियर सही है, परफॉर्मेंस सही है, तो हमारे TLC और AMC भी फीडबैक देते हैं यार ये बंदा अच्छा है, हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्किंग है, तो इसे जो है प्रमोट करना चाहिए। तो उसके बाद जब आपका फीडबैक जाता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसके बाद जो है आप TLC बनते हैं। 6 महीने में भी आप बन सकते हैं अगर आपके पास वो क्वालिटी है। तो सो डेफिनेटली गाइस अगर आप जाना चाहते हो सबसे पहले अप्लाई कीजिए। और गाइस जो सेकेंडरीज में प्रॉब्लम आती है वो काफ़ी भी इंपॉर्टेंट रहती है गाइस, क्योंकि इसमें जो है आपको वीक ऑफ जो है काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में देने पड़ता है, क्योंकि वो भी रोटेशनल होते हैं। कभी मान लीजिए आपको जो है फ्राइडे की छुट्टी चाहिए, उस समय आपकी हो जाएगी चलो तुझे फ्राइडे की छुट्टी चाहिए, तुझे मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन होती है TLC के पास की तरफ, फ्राइडे जो है वीक ऑफ हम कैंसिल कर रहे हैं, तो सैटरडे को ले लीजिए उस, क्योंकि उस समय मुझे बंदे जो है ज़्यादा दिखाने हैं, क्योंकि इनके भी TLC के पास जो टीम होती है गाइज, और इनको भी मॉर्निंग की शिफ्ट में लड़कों के लॉग इन हॉर्स दिखाने पड़ते हैं, और इवनिंग में भी शो करने होते हैं लॉग इन हॉर्स। अगर उसमें कभी शॉर्ट हो रहे हैं, कोई बच्चे शॉर्ट हो रहे हैं, तो उसे जो है हमें मैनेज करना पड़ता है कि फ्राइडे को जो है मेरे पास बच्चे कम है तो उसका पेपर है, ये हुआ है, तो तू आ जा उसके बदले, तेरा वीक ऑफ मैं सैटरडे को करा दूंगा। तो ये भी काफ़ी चीज़ें हैं देखने को मिलती है, क्योंकि आपके वीक ऑफ जो है इसमें फिक्स नहीं रहता है गाइस। तो सबसे पहले तो आपको ये भी चेक करना कि अगर आप आते हैं तो वीक ऑफ आपके जो है रोटेशन होने वाले हैं, और आपकी इसमें जो है पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रहती गाइस, अगर क्योंकि जो भी आपके TLC होते हैं, AMC होते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, बस इनसे जो है काम से मतलब होता है। अगर तुम्हारे फैमिली में कुछ हो रहा है, तुम हॉस्पिटल हो, तो ये डायरेक्ट इनका क्वेश्चन होगा, तो तू आज क्यों नहीं आ, तो आज क्यों नहीं आया, तेरा जो है अनप्लान लगा देंगे, या तुझे सैलरी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, तो ये सारे जो है ये हम पे जो है प्रेशर डालते हैं कि आ जाए तो हाफ डे आ जाए, या ये आ जाए, ऐसे ऐसे मैनेज कर ले,
क्योंकि इन पे भी जो प्रेशर रहता है, लेकिन हमारी भी पर्सनल लाइफ जो है कुछ नहीं रहता, क्योंकि जो भी मैंने बीपीओ में काम किया इस, क्योंकि इसमें जो है सबसे आई नज़र में ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है, आपको जो है कंपनी को ही अपना एफर्ट देना पड़ता है और जितना आप दिखाएंगे कंपनी को तभी आपको रिवॉर्ड उसका मिलेगा गाइस। लेकिन इसमें आपकी जो पर्सनल लाइफ है उससे कोई भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। सो बेसिकली ये आपके होने वाली कि पर्सनल लाइफ आपकी ख़त्म होने वाली गाइस बेसिकली अगर आप ज्वाइन करते हैं बीपीओ कंपनी। और वीक ऑफ भी इसमें रोटेशनल देखने को मिल जाते हैं गाइस। और बाकी आपका पंचिंग पंच आउट का भी सिस्टम है गाइस। अगर आप जो है अब मान लीजिए आपकी 10 बजे की शिफ्ट है तो आप जो है 9:30 आप जो अर्ली तो आ सकते हैं, जैसे कि आपकी जो है बेसिकली जो शिफ्ट है 9 से 6 बजे तक, तो 9 से अगर 6 बजे तक आपकी शिफ्ट है अगर आप 8:30 बजे आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब जाएंगे तो वो 5:40 के बाद ही जाएंगे गाइस। तो बेसिकली ये इसमें रूल है। तो आप इसमें अगर आप 9 बजे की आपकी शिफ्ट है 8 बजे आप आ गए और शाम को, लेकिन आपको 5:40 के बाद ही जाना पड़ेगा। 20 मिनट जो है आप पहले जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप आए हैं जैसे कि 8 से 5 नहीं जा पाएंगे, जैसे कि आपके हो रहे हैं 9 घंटे 8 से 5, लेकिन वो अगर आप अर्ली आएंगे तो वो भी काउंट नहीं होगा इस, क्योंकि ये इनको जो है इसी के अकॉर्डिंग है अटेंडेंस बनती है गाइस। तो 9 से 6 आपको जो है वहाँ पर प्रेजेंट होना होगा इस, क्योंकि अगर आपकी 9 से 6 बजे तक की शिफ्ट है तो 9 बजे से लेकर 5:40 के बाद आप जो है पंच आउट कर सकते हैं। पंचिंग पंच आउट का भी काफ़ी यहाँ पे सिचुएशन रहने वाला है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कभी पंचिंग करना भूल जाते हैं और आपको जो है मिड में याद आ रहा है कि यार मैं तो पंचिंग करना भूल गया हूँ, तो उस केस में क्या होता है इनके पास कोई भी जो है चांस नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आपकी हाफ डे ही काउंट होती है गाइस, क्योंकि इसमें कोई मैनुअली रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है, मोस्टली जो होता है वो पंचिंग पंच आउट पर ही इनका जो है रजिस्टर बनता है गाइस। बाकी इसमें प्रमोशन होने की भी काफ़ी अच्छे चांसेस है गाइस, अगर आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, मेहनत से करते हैं, अगर आप टाइम पास के लिए नहीं जा रहे हैं अपने कैरियर के लिए जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट फ्यूचर प्लान भी आपकी फ्यूचर जॉब हो सकती है गाइस। ये डिपेंड करता है हम कैसे माइंडसेट वहाँ से बना के जा रहे हैं, हम पार्ट टाइम के लिए जा रहे हैं या फुल टाइम के लिए जा रहे हैं या फ्यूचर अपने गोल्स को सेट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये भी काफ़ी डिपेंड करता है गाइस। तो मैं मोस्टली आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप जा रहे हैं तो अपना 100% दीजिए गाइस, क्योंकि हमें नहीं पता रहता कि हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारा जो है फ्यूचर कहाँ पर ब्राइट हो सकता है। अगर हम जो है प्रैक्टिकली चीज़ें करेंगे, अगर हमको लगेगा यार ये चीज़ें मेरे लिए सही है, तो हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे गाइस। सो बेसिकली यही आपकी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी आपको अगर आप एनर्जाइजर में जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको जो है जॉब टाइमिंग्स का आपको रहने वाला है, वीक ऑफ का आपको रहने वाला है, और आपकी जो है पंचिंग पंच आउट जो भी आपका रहता है एनर्जाइजर में, तो वो जो है आपको देखना पड़ेगा इस। सो बेसिकली यही होने वाला है अगर आप जाते हैं तो, इसी आपको सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा गाइस। सो डेफिनेटली इन चीज़ों को ध्यान रखिए गाइस। और सबसे पहले तो आप इंटरव्यू देने जाइए गाइस, क्योंकि जब तक हम इंटरव्यू नहीं देंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा गाइस। और डेफिनेटली इसमें वर्क एनवायरनमेंट भी आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल जाता है गाइस। सो बेसिकली गाइस ये सारा क्राइटेरिया था जो मैंने आपको शेयर कर दिया गाइस। तब भी आपके मन में कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप जो है मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस। सो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। सो थैंक यू सो मच।